फ्रेंड, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। दोस्तों, आज इस क्लास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं कोर्स ऑफ एक्शन अर्थात कार्यवाहियां। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों, ये लॉजिक रीजनिंग का। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादातर देखने को मिलते हैं, बैंक हुआ या रेलवे में हुआ। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को या इससे रिलेटेड जो भी बेसिक कंसेप्ट बनेंगे आज के वीडियो में करेंगे। दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करें इससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए दोस्तों, आज का ये महत्वपूर्ण सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। कोर्स ऑफ एक्शन एक लॉजिकल रीजनिंग का इंपॉर्टेंट भाग है। इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर इससे रिलेटेड बैंक में ही क्वेश्चन आते हैं और रेलवे में भी देखने को मिलते हैं। इससे रिलेटेड कुछ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम रखे हैं, जिसको आप अगर माइंड में रखते हैं तो समस्याएं जो भी क्वेश्चन होंगे बनाने में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन बनाते समय ज्यादातर आपको अपना ही माइंड यूज करना होता है, इसके लिए कोई अलग से ट्रिक या कोई अलग से फॉर्मूला नहीं होते हैं। आपके सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आप इसके बारे में जो कथन कहेगा आप कितना सही एक्शन लेते हैं, आप कितना सही उसके बारे में सोचते हैं, इसी पर रिलेटेड आपके ये क्वेश्चन बनेंगे। कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आइए हम आपको दिखाते हैं कि इसके बारे में क्या क्या आपको सोचना है। सर्वप्रथम दोस्तों, अगर कोर्स ऑफ एक्शन का क्वेश्चन है तो अपने आप को एक उच्च अधिकारी माने। आप अपने आप को इस प्रकार से माने कि आप एक उच्च अधिकारी हैं, या मान लीजिए कि आप डीएम हैं और आपको अपने जिले में किस प्रकार का सही एक्शन लेना है और जनता के भले के लिए एक्शन हो। ये नहीं को एक व्यक्ति या किसी एक धर्म को या किसी एक पर्टिकुलर समाज को लेकर आपका एक्शन हो। अगर इस तरह का एक्शन लेंगे तो वह आपका कार्यवाही गलत होगी। कार्यवाही आपको ऐसा लेना है कि जो 100% सत्य हो और समाज के भले के लिए हो। तो आप पहले अपने आप को एक उच्च अधिकारी मानिए कि मैं उच्च अधिकारी हूं और जो भी निर्णय लूंगा वो 100% सत्य लूंगा और जनता के भले के लिए लूंगा। इसके बाद आपको दूसरा पॉइंट में ये मानना है, अपने जनता या कर्मचारियों के लिए आप कठोर कदम न उठाएं। आप कोई भी एक्शन लेंगे तो आपकी जो जनता है या आपके साथ जो कार्य करने वाले कर्मचारी हैं उसके प्रति आप कठोर एक्शन नहीं ले सकते हैं। कठोर एक्शन का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप उसे नौकरी से बर्खास्त कर सकते हैं या उसको आप सस्पेंड कर दें, यह एक आपका कठोर एक्शन हुआ। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन में जो भी कठोर एक्शंस वाले आपको ऑप्शन दिखेंगे आप उसे नहीं लेंगे, आप उसे सही नहीं मानेंगे। इसमें इस प्रकार का दोस्तों लेना होता है एक्शन कि किसी को इससे कष्ट न हो और आपका सही भी एक्शन हो। इसके बाद हम देखेंगे समाधान देते समय कभी भी सरकार के खिलाफ नहीं जाना है। अगर आप एक उच्च अधिकारी हैं तो आपको इस प्रकार का एक्शन लेना है वो समाज के नियमों को या सरकार के जो भी एक्शन है या संविधान में जो भी नियम बनाए गए हैं उसको फॉलो करें, अनुशासन को तोड़े ना। आपको सरकार के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाना है, आपको ऐसा एक्शन लेना है जो सरकार के नियमों को पालन भी करे और जनता का भला भी हो। तो आप इस प्रकार का एक्शन लेंगे कि जो सरकार के खिलाफ बिल्कुल न जाए, इसका आपको थोड़ा विशेष ध्यान देना होगा। इसके बाद चौथा पॉइंट की अगर बात करें तो समाधान देते समय आप हमेशा जनता कल्याण के बारे में सोचेंगे। आप जब भी एक्शन लेंगे तो आपको इतना देखना होगा आगे चलकर और पीछे चलकर, जो मैं एक्शन ले रहा हूं तो उससे जनता को कितना फायदा हो रहा है, कितना बेनिफिट होगा, या भविष्य में या पीछे इसका जो आने वाले लोग हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारा आपको देखना होगा कि हमने जो एक्शन लिया है जो जनता के प्रति कितना सुटेबल है, कितना जनता के लिए लाभकारी है। ये इस पर निर्भर करता है आपके निर्णय के ऊपर कि आपने कितना अच्छा एक्शन लिया है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि जनता कल्याण से संबंधित आपको 100% जो आपने एक्शन लिया हो वो सही हो, किसी के लिए बुरा ना हो। तो इस प्रकार के पॉइंट से आपको माइंड में रखना है और ये माइंड में रखकर आप चलेंगे। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप 100% क्वेश्चन सही करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको अपने रियल लाइफ से जोड़ना होता है। आप अपने रियल लाइफ से जोड़ कर देखिए कि जो कथन है क्या सत्य है या नहीं है। आप केवल कथन को देखकर अपने मन से नहीं मान सकते हैं कि ये सही होगा, केवल जो कहेगा उसके आधार पर नहीं कहेंगे, आप अपने रियल लाइफ से भी जोड़ेंगे और इसके आधार पर देखेंगे जो कहा गया है
क्या सही है। इसके बाद ये जो पॉइंट बताए हैं इसको माइंड में रखेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसानी होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करते हैं, इसी के आधार पर देखते हैं कितना हद तक सही है। आप ये भी देखते हैं कि आप इस पॉइंट को माइंड में रखने के बाद कितना अच्छा से बना पाते हैं। आइए दोस्तों लेते हैं कुछ क्वेश्चन। आइए दोस्तों ये क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, आइए इसको देखते हैं इसमें कहा क्या है। कहा है कि देश के कुछ भागों में भीषण अकाल की खबर मिली है। हमारे देश में कहीं किसी भाग में भीषण अकाल होने वाला है ये खबर मिली है। चलिए दोस्तों आप मान लीजिए आप अधिकारी हैं और आपको ऐसी सूचना मिलती है कि देश के किसी भाग में आपको भीषण अकाल की खबर है। अगर आपको वहां अधिकारी बनाकर भेजा गया तो आप वहां जाकर किस किस प्रकार का एक्शन लेंगे या किस प्रकार की कार्यवाहियां करेंगे। चलिए आपके थोड़ी मदद के लिए इसमें ऑप्शन दिया है, दो ऑप्शन है इसमें कार्यवाहियां, और इन कार्यवाहियों में से आपको सही सेलेक्ट करना होगा कि क्या क्या हो सकता है। थोड़ा माइंड सोचिएगा कि अगर मान लीजिए आप वहां अधिकारी होते तो आप किस प्रकार के एक्शन लेते। चलिए पहले देखते हैं, कहा कि सरकार को अविलंब प्रभावित लोगों की आर्थिक मदद करनी चाहिए। अगर आप वहां होते तो क्या यह मुहैया जो सुविधा देने के लिए कह रहा है कराते, क्या यह सुविधा आप देना पसंद करते। तो उसने बोला सरकार को अविलंब प्रभावित लोगों की आर्थिक मदद करनी चाहिए। वहां के लोग एक तो अकाल से पीड़ित है ही, तो उनको कहीं ना कहीं आर्थिक मदद की और अविलंब तत्काल में जरूरत है, नहीं तो उनको जान की खतरा बन सकती है। इसलिए आप जिस प्रकार का एक्शन लेंगे, क्योंकि यह जनता के भले के लिए है। अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं, वहां अकाल पड़ा है और वहां आप दूसरा रोड या बिजली की व्यवस्था कर रहे हैं, तो ये आपका सही एक्शन नहीं होगा। पहला एक्शन ये होगा उनकी आर्थिक मदद की जाए, खाने पीने की व्यवस्था की जाए, तो यह आपका प्रथम कार्यवाही क्या होगा, सही होगा, ये कहना बिल्कुल उचित होगा। इसके बाद दूसरी कार्यवाही है उस क्षेत्र में लोगों तथा मवेशियों की जान बचाने के लिए भोजन पानी तथा चारा अविलंब पहुंचाना चाहिए। जहां लोग रहेंगे उनके पास तो गायें होंगी, मवेशियां, बहुत सारे जीव होंगे, अकाल पड़ा है। जब मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं जुटा पा रहा है तो वो पशुओं के लिए कहां से जुटा पाएगा। तो सरकार को उनके ऊपर भी विशेष थोड़ा ध्यान देना होगा कि उनके साथ जो भी मवेशियां हैं उनके लिए चारा और पानी की भी व्यवस्था की जाए। तो सरकार यहां भी ध्यान देगी कि जनता के साथ जो भी उनके मवेशियां हैं उनकी भी खाने पीने और पीने की पानी की आवश्यकता जो भी है मुहैया कराए। तो आपका ये भी कहना गलत नहीं होगा, ये भी आप एक्शन लेंगे, ये भी आप कार्यवाही करेंगे। तो हमने देखा कि दोनों कार्यवाही आपकी क्या है, बिल्कुल सही है। तो आपका ये उत्तर दिया गया है इन ऑप्शन में से, देख लीजिए कि दोनों के लिए कौन सा सपोर्ट करता है। दोनों के लिए कार्यवाही एक और दो दोनों सही है, आपका ऑप्शन फाइव सही होगा। देखिए ना कितना आसान है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, आपको केवल सही पॉजिटिव थिंकिंग करना है और अपने रियल लाइफ से जोड़ कर बनाना है और बहुत ही आसान विधि से आपका बनेगा। आइए इसके बाद लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट उदाहरण है, इसमें कथन में क्या कहा गया है। कहा है कि एक मकान के ढहने पर 30 लोगों की मृत्यु हो गई, इससे उस इलाके के लोग उत्तेजित हो गए। कहने का मतलब कि एक मकान है जो ढह गया और उस मकान में बहुत सारे लोग रहते हैं, उनमें से 30 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसके कारण उस इलाके के जो लोग हैं उत्तेजित हो गए हैं अर्थात धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये आपका कथन है। अगर आपको ऐसी घटना हो गई, आप अधिकारी हैं, आपको भेजा गया उस केस को हैंडल करने के लिए कि आप उस स्थान पर जाएं और वहां जाकर आप क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, आप कार्यवाहियां क्या कर सकते हैं, ये आपको माइंड से सोचना है। आपको रियल लाइफ से ऐड करिए, उसको जोड़िए, इसके बाद सोचिए कि क्या क्या वहां एक्शन लेनी चाहिए। चलिए यहां एक्शन आपको लेना नहीं है, आपको कार्यवाहियां दिया गया है और ये कार्यवाही जो दिया गया है आपको यह केवल जांच करना है कि क्या यह कार्यवाहियां इस कथन से रिलेटेड है या जो कथन में कहा गया है क्या उसको ये सत्यापित करते हैं कि नहीं, इसी को आपको बताना है। चलिए पहला आपका कार्यवाही दिया है, देख लीजिए, सरकार को प्रभावित परिवार के लिए तुरंत मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए। कहीं भी ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं तो क्या करती है, सरकार वहां पहुंचती है, पुलिस प्रशासन पहुंचती है, इसके बाद वहां पहुंचने के बाद जो भी लोग मरे हुए हैं उनके डायरेक्ट
मुआवजे की घोषणा करती है कि 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख इतना हम प्रत्येक व्यक्ति को मुआवजे के तौर पर देंगे। तो ये सरकार करती भी है, हम लोग अक्सर सुनते भी आए हैं न्यूज में कि कहीं अगर उस तरह के हादसा होती है तो हमारी सरकार जो है क्या करती है, उनको मुआवजे के तौर पर पैसा देते हैं। तो ये हमेशा हम सुनते आए हैं और हम जो सुने हैं सरकार ने जो एक्शन लिया है उसको हम गलत नहीं ठहराएंगे, क्योंकि हम सरकार के खिलाफ नहीं जाना है। इनसे सरकार को जब कहा है कि एक्शन लेनी चाहिए तो हाँ ये है, एक्शन लेगा और वहां जरूरी भी एक्शन लेना, क्योंकि उसको आर्थिक मदद की आवश्यकता है। तो आपका यह प्रथम सरकार को प्रभावित लोगों के लिए मुआवजा देने की घोषणा क्या होगा, बिल्कुल सत्य कार्यवाही होगी। इसके बाद दूसरी कार्यवाही, जो भी बिल्डर रहे हैं इसमें कहा है कि बिल्डर के खिलाफ सरकार को कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। जो भी उन मकान को बनाने में बिल्डर रहे होंगे, जो भी मटेरियल लगाए होंगे, अर्थात कहने का मतलब कि मकान इतना जल्दी कैसे ढह गया, अर्थात उसमें अच्छे मटेरियल नहीं लगाए होंगे, कम क्वालिटी के सामान वस्तुओं का प्रयोग किए होंगे, जिसके कारण उसका लाइफ कम था, वो गिर गया, ढह गया। अब बिल्डर क्या होंगे, बिल्डर को पकड़ा जाएगा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। अब वहां सरकार क्या करती है कि बिल्डर को ही पकड़ती है कि आपके ही कारण ऐसी घटना हुई है, ऐसी अप्रिय घटना हुई है जिसके कारण इतना लोगों की मृत्यु हो गई। तो वहां जाहिर सी बात है कि बिल्डरों को पकड़ा जाएगा, उनको कड़ी सी कड़ी सजा दी जाएगी। यहाँ कड़ी सी कड़ी सजा देना आवश्यकता है, क्योंकि वे एक तरह के घुसखोर हैं या एक तरह से कहें चीटर हैं, जो अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं, जिसके कारण इतनी बड़ी खामियाजा भुगतना पड़ा। तो ऐसे बिल्डरों के साथ सरकार को कड़ी से कड़ी एक्शन लेनी चाहिए, ये हमारा कार्यवाही बिल्कुल सही होगा। और ली भी जाती है उनको सजा के तौर पर जेल में डालिए या उनके ऊपर उतना जुर्माना लगाइए जिसके कारण वो अगला बार वैसी गलती ना करें। तो हमने देखा दोस्तों कि ये दोनों कार्यवाहियां आपका क्या है, सत्य है। तो आप ऑप्शन में दिया क्या है, दोनों कार्यवाही कहां सत्य है, तो आप पांचवा ऑप्शन में कार्यवाही एक और दो दोनों सत्य है, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इसी प्रकार बनाएंगे, कोई खास टेंशन नहीं लेना है, आराम से सोचिए, इसको रियल लाइफ से जोड़ते जाइए और आपका एक क्वेश्चन बनेगा। आइए दोस्तों और इस पर आधारित क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसमें कहा क्या क्या है। कहा कि शहर के कई भागों में मलेरिया पीड़ित लोगों की संख्या में चिंताजनक वृद्धि हुई है। एक शहर है जिसमें मलेरिया से जितने अधिक लोगों की क्या भी वृद्धि हो रही है संख्या में, यह एक रोग है जिसके कारण सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं और जो ये चिंता की बात है उनकी चिंताजनक वृद्धि हो रही है। तो इनमें कहने का मतलब है कि रोगियों की संख्या अनियंत्रित तौर पर वृद्धि हो रही है। जब ऐसा सिस्टम हो गया, जब इस प्रकार के रोगों में वृद्धि हो रही है, तो वहां किस प्रकार का एक्शन लेना चाहिए, आपको कार्यवाही दिया गया। देखिए तो हमारा पहला कार्यवाही देख लीजिए कहा है, नगर निगम में सभी सरकारी अस्पतालों को मलेरिया की दवाओं का पर्याप्त भंडारण की सूचना दी गई है। प्रथम कार्यवाही में यह किया गया है कि जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उनमें पर्याप्त मात्रा में दवाई का भंडारण की जाए, ऐसी सूचना दी रहेगी जो भी रोगी हैं उनको सही इलाज कराने के लिए यहाँ पर अधिक से अधिक मात्रा में दवाई अवेलेबल कराई जाए। ये प्रथम अवधारणा सॉरी ये प्रथम आपका कार्यवाही है कि जो भी सरकारी अस्पताल हैं उनमें पूर्ण रूप से दवाई आपका अवेलेबल होना चाहिए। क्या आपका ये एक्शन गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, ये आपका एक्शन सही है कि अगर रोगी हैं तो वहाँ रोगियों के इलाज के लिए उचित मात्रा में दवा का भी प्रयोग करना चाहिए, दवा अवेलेबल भी होना चाहिए। तो सरकार से आप मांग करेंगे या सरकार आपको वहाँ मुहैया कराएगी अधिक से अधिक मात्रा में दवाई, ताकि जो भी पीड़ित लोग हैं उनका सही से इलाज हो सके। तो यह आपका कहना कार्यवाही आपका बिल्कुल सही है कि वहाँ अधिक मात्रा में दवाओं का भंडार होना चाहिए। फिर दूसरा है, नगर निगम ने लोगों को मॉस्किटो रिप्लेसमेंट का उपयोग करने और अपने परिसर को स्वच्छ रखने का अनुरोध किया है। तो देखिए दोस्तों इसने एक कहा है, इसने एक सुझाव दिया है कि नगर निगम के जो लोग हैं उनको मॉस्किटो रिप्लेसमेंट या अपने परिसर को स्वच्छ रखना चाहिए। तो ये तो अलग बात है, तो स्वच्छता तो रखनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ क्या है कि अनियंत्रित रूप से लोगों के संख्या में जो रोगी हैं उनके में वृद्धि हो रहा है। जब रोग बढ़ चुका है इतना, तो केवल साफ सुथरा सफाई रखने से या मच्छर को मारने वाली
धुआं या दवाइयों का प्रयोग कर लेने से हमारा यह रोग जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये रोग हमारे शरीर में प्रवेश कर चुका है, इसलिए आप केवल मॉस्किटो से इसको हरा नहीं सकते हैं, इस रोग का निजात नहीं पा सकते हैं। हमको रोग पर निजात पाना है, जब रोग पर आपको निजात पाना है इसका सही इलाज होना चाहिए, न कि केवल ये कुछ विधियां अपना लेने से ये सही हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि यह जो दूसरा जो कहा गया कार्यवाही है, यह हमारा कहीं ना कहीं इससे रिलेट नहीं कर रहा है, इसका सही उत्तर नहीं दे पा रहा है, इसलिए आपका यह क्या होगा, कहना गलत होगा, यह आपका कार्यवाही सही नहीं होगी। आपको वहां यह कार्यवाही नहीं करना है केवल साफ सुथरा कर लीजिए आपका रोग खत्म गया, नहीं, उसके लिए आप अच्छी प्रकार का आधुनिक तरीके से दवा का प्रयोग कराएं, वहां इलाज की व्यवस्था करें अधिक से अधिक मात्रा में, तब जाकर यह रोगों में जो संख्या में लोगों की वृद्धि, रोगियों की संख्या में जो वृद्धि हो रही है उनकी संख्या में कमी होगी तथा रोग कम होगा। तो यह कहना आपका दूसरा क्या होगा, गलत होगा। तो हमने देखा दोस्तों कि हमारा प्रथम सही है और द्वितीय आपका कार्यवाही गलत है, तो आप कह सकते हैं कि आपका कार्यवाही केवल एक सही है और दूसरा सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन एक होगा। तो दोस्तों देखिए, इस प्रकार का ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं कोर्स ऑफ एक्शन से। दोस्तों इससे रिलेटेड और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, लेकिन हम उसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हम आशा करते हैं कि ये आज का बेसिक कंसेप्ट और तथा कुछ क्वेश्चन हम भी कराए, ये आपको पसंद आए होंगे और समझ में भी आए होंगे। तो दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।